ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो कल का जो हमारा डे है उसके लिए कौन से स्टॉक हमारे इंट्रा डे में होंगे और हम इसको लॉजिक के साथ देखेंगे। सो आपको आइडिया है कहाँ आपको बाय करना चाहिए, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, वो सब। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। अभी इसको मैंने क्यों लिया, तो इसको नॉर्मली बात है कि इधर से एक बार नीचे आया, फिर से अब हो गया और इधर से फिर से नीचे आया और अभी ये हाल फिलहाल उसी जोन के आसपास है। तो हो सकता है कल ये इसको ब्रेक करके अब वो प्रॉपर निकल जाए और आपको इसमें एक अच्छी सी उछाल देखने को मिले, क्योंकि ये अभी इसके हाई पे चल रहा है। तो मतलब ये धीमे धीमे क्या करता है, कंसोलिडेट करके अप जाता है कोई भी स्टॉक हो तो आप इसको लेके जा सकते हो। नॉर्मली क्यों बात है, तो नॉर्मली आपको इधर क्या है कि एक दो बार क्या है कि रेजिस्टेंस फेस करने को मिल चुका है, तो हो सकता है इस बार ये इसको ब्रेक करके अबव निकले कल, या शायद इधर से ये नीचे आ जाए। लेकिन हमारा जो मेन व्यू होगा वो बाइंग के लिए होगा, सो इसको मैं बाइंग के लिए लेके जा रहा हूँ। अगर ये इस जोन को ब्रेक करके अबव निकलता है प्रॉपर तरीके से तब हम इसमें बाइंग करेंगे। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। तो दूसरा स्टॉक है वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल क्यों लेके गया हूं मैं, तो ये भी क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई पे क्या किया, थोड़े टाइम पहले इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, बाद में कंसोलिडेट हो गया है। देखो आप एक बार ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, उसी रेंज के आसपास से नीचे आया, फिर से अभी वहां ये जा रहा है। तो हो सकता है कल ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए या तो फिर से साइडवे हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें एंटर होना चाहते हैं तो इस लाइन को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके ये अबव निकलता है तब आप इसमें बाइंग बना सकते हो। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है कल के लिए। अगर ये प्रॉपर कल इसके अबव निकल गया तब आप अपनी इसमें प्रॉपर बाइंग एंट्री बना सकते हो, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद। तो आपको आइडिया होना चाहिए किसको प्रॉपर ब्रेकआउट कहते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल हमारी बाइंग लिस्ट में, अगर ये कल ये इसको ब्रेक करके अबव निकल गया, प्रॉपर लेवल सस्टेन कर लिया, तब हम इसमें अपनी बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। बाद में जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, तो बाद में जो हमारा स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी को आप देख रहे हो, एक अच्छी सी उछाल मिली, बाद में कंसोलिडेट हो गया, तो इसमें हम क्या है कि फ्लैग टाइप जो पिनेट फ्लैग होता है उसको बोलते हैं, तो पिनेट फ्लैग जैसा ये बना रहा है। अगर ये कल आपको एक अपर साइड मूवमेंट देता है, ये लाइन को ब्रेक करके प्रॉपर निकलता है, तब आप अपनी इसमें बाइंग पोजिशन बना सकते हो। मेरे वॉच लिस्ट में है, आई थिंक इसमें मैं क्या है कि पोजिशनल लेके जाने वाला हूँ, लेकिन देखते अगर मेरे को कल या परसों जब भी मेरे को मिलता है तब हम इसमें बाइंग करेंगे। इसमें मैं सेलिंग का नहीं सोच सकता, तो ये मेरे बाइंग लिस्ट में है। तो इसको आप नॉर्मली जो हमारा पिनेट फ्लैग है वो मिला है, इसके लिए हम बाइंग लेके जा रहे हैं। बाद में जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है, तो बाद में जो हमारा स्टॉक है वो है इंडिगो। अभी इंडिगो हमारे सेल लिस्ट में है, क्यों, क्योंकि आपको एक दो बड़ी कैंडल मिली, बाद में देखो ये कंसोलिडेट किया, हो सकता है कल आपको कंफर्म ये नीचे जाए या पहले दो तीन कैंडल जाने दो, बाद में अगर डाउनसाइड कंफर्मेशन मिलती है तब आप इसमें अपनी सेलिंग कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको आइडिया होना चाहिए इसको मेरे को क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सब। तो इंडिगो हमारे सेल लिस्ट में। बाद में जो हमारा स्टॉक है वो है सन टीवी। सन टीवी भी हमारे सेल लिस्ट में है। सन टीवी हमारे सेल लिस्ट में क्यों है, नॉर्मली ये होना चाहिए वन डे के हिसाब से 22 सेकंड में इसको सेल साइड लेके जा रहा हूं। अगर मेरे को कल कोई रेड कलर की पहली कैंडल मिल गई 1 आवर्स पे तो मैं इसको सेल साइड लेके जाऊंगा, या तो पहली कैंडल 15 मिनट की मेरे को अच्छी खासी मिल गई तो भी मैं इसको सेल साइड लेके जाऊंगा। तो पहले देखूंगा कैसा मोमेंटम है, बाद में मैं इसमें सेल साइड लेके जाऊंगा। इसमें मैं हो सकता है बाइंग की कल ना सोचूं, परसों सोच सकता हूं अगर ये कल अपर गया तब। क्यों, क्योंकि मेरे को ये क्या है कि 1 आवर्स के चार्ट पे आज के दिन इधर क्या मिला है, एक शूटिंग स्टार मिला है और वही रेंज आप देखोगे तो पीछे आप देखोगे तो ये इसकी क्या है कि फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन आ रही है। आप आगे देखोगे तो मैंने 2 पॉइंट ज्वाइंट करके इसमें बनाया है, तो आप देखिए एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइंट करके ये बनाए, तो अभी इसको ब्रेक करके अबो तो निकल चुका है लेकिन ऊपर की साइड एक क्या है कि शूटिंग स्टार बना दिया और एक वॉल्यूम के साथ है, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग के लिए। अगर ये आपको कल सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी देता है तब आप इसमें अपनी सेलिंग कर सकते हो।
तो ये थे हमारे ओर से पांच स्टॉक जो आप कल के लिए इंट्राडे लेके जा सकते हो। बालकृष्ण, अपोलो हॉस्पिटल, बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी, ये तीन बाइंग के लिए थे, बाद में इंडिगो एंड सन टीवी, ये दो सेलिंग के लिए। तो पहले अपनी एनालिसिस कीजिए इस पे, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं होता कि तीन मैंने बाइंग के लिए बोले, दो सेलिंग के लिए बोले, तो आप मार्केट ओपन होते ही वो सब कुछ करने लगते हो। नहीं, आपको कुछ ऐसा मिलता है तब आपको करना होता है। आप पांच स्टॉक में से एक दो में एंट्री लोगे तो भी बहुत है। ऐसा नहीं होता कि पांचों पांच में आपको एंट्री मिलेगी, या तो एक या दो में ही एंट्री मिलेगी, लेकिन जिसमें भी आपको एंट्री मिल रही है उसमें ले रहे हैं, बाकी को छोड़ देना है। तो ये थी हमारी ओर से कल के लिए वॉच लिस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।